हेलो गाइस गाइस, अगर आप किसी आप माइक्रो नीच वेबसाइट पे काम करने जा रहे हो लेकिन आपको माइक्रो नीच वेबसाइट के बारे में आइडिया नहीं है, सो आप लोगों को मैं एक सजेशन दूंगा कि आप सबसे पहले हमारी इस वीडियो को देखना, क्योंकि मैक्सिमम जो नए ब्लॉगर हैं वो हमेशा अपने माइंड में ये क्वेश्चन लेकर बैठे रहते हैं कि माइक्रो नीच पे उन्हें काम करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो माइक्रो नीच कीवर्ड को फाइंड करके उस पर काम करना स्टार्ट भी कर देते हैं, लेकिन उनको रियलिटी नहीं मालूम होती कि माइक्रो नीच वेबसाइट पे काम करने के बाद या फिर जब आप उस पर काम करोगे तो आपको किस किस चीजों की, मतलब कौन कौन सी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। सो, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि मैं अपनी साइट पे हमेशा कुछ ना कुछ माइक्रो नीच कीवर्ड आपसे शेयर करता हूं। सो, आज भी मैं एक ऐसे माइक्रो नीच कीवर्ड आपसे शेयर करूंगा जिसपे आप काम तो कर सकते हो लेकिन उस पर कॉम्पिटिशन बहुत ज्यादा है। मीन्स अगर आपको SEO की नॉलेज है, और कुछ चीजें मैं बताऊंगा कि कैसे उस पर आप रैंक कर सकते हो अपने साइट को। सो, वीडियो को पूरा देखना, और जो मैं बताऊंगा कीवर्ड वो थोड़ा कॉम्पिटेटिव, मतलब उस पर कॉम्पिटिशन ज्यादा है, लेकिन आप अगर सही से काम करते हो, आपको थोड़ी बहुत SEO बैकलिंक की नॉलेज है, सो आप रैंक कर जाओगे उस पर। सो, इसी के साथ मैं एक एग्जांपल साइट भी आपको दिखाऊंगा कि माइक्रो नीच साइट कैसी होती है, किस तरह माइक्रो नीच साइट बनाकर लोग अच्छी खासी ट्रैफिक अपनी साइट पे ला रहे हैं और अच्छी खासी इनकम कर रहे हैं। सो, चलिए स्टार्ट करते हैं और जानते हैं माइक्रो नीच वेबसाइट की रियलिटी, कि माइक्रो नीच वेबसाइट एक्चुअल में होती कैसी है, क्या क्या उसकी रियलिटी है, क्या उस पर जो ऐसे लोग बताते हैं कि अच्छा पैसा कमाया जा सकता है, अच्छी जल्दी रैंकिंग होती है, जल्दी ट्रैफिक आता है, तो ये सब सच है या फिर झूठ। सो, स्टार्ट करने से पहले रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि नोटिफिकेशन मिलती रहे। बाकी चलते हैं अपने मेन टॉपिक पे। तो मान लो जैसे कि हमारे पास एक कोई माइक्रो नीच कीवर्ड है। अब माइक्रो नीच कीवर्ड होता क्या है, सबसे पहले मैं उन लोगों को बता दूं जिनको माइक्रो नीच नहीं मालूम है। सो, माइक्रो नीच क्या होता है कि एक पर्टिकुलर टॉपिक, जैसे मान लो आपका कोई ब्रॉड, जैसे एंटरटेनमेंट आपने ले लिया। एंटरटेनमेंट एक पूरी नीच है। अब एंटरटेनमेंट में कई चीजें आ जाएगी, जैसे आप विक्की ब्लॉग हो गया, ठीक है, विक्की ब्लॉग हो गया, कोई फिल्म अपडेट हो गया, ठीक है, बॉलीवुड न्यूज हो गया, ये कई तरीके की कैटेगरी एक एंटरटेनमेंट साइट में बन जाएगी। लेकिन आप किसी एक पर्टिकुलर किसी एक चीज को टारगेट करो। जैसे आपने क्या किया कि विक्की ब्लॉग में आपने किसी एक सेलिब्रिटी को टारगेट कर लिया, या फिर मान लो आपने केवल विक्की ब्लॉग पे ही अपनी माइक्रो नीच वेबसाइट बना दी। वैसे माइक्रो नीच ने विक्की ब्लॉग में भी कई चीजें आ जाएंगी। जैसे विक्की ब्लॉग में मान लो आपने एक्टर्स, ठीक है, उसके बाद जो बॉलीवुड वाले एक्टर हैं या फिर एक्ट्रेसेस हैं, न्यूज एंकर हो गए, ठीक है, टेलीविजन पे काम करने वाले हो गए, तो इस तरह की कई कैटेगरी बढ़ जाती हैं। सो, आपने केवल एक को टारगेट किया। जैसे आपने केवल टेलीविजन वाली सेलिब्रिटी को टारगेट करके एक साइट बनाई और उन्हीं के बारे में बायोग्राफी बताई, सो, वो आपकी एक माइक्रो नीच वेबसाइट हो जाएगी। मतलब आप जितना ज्यादा डाउन करोगे किसी कीवर्ड को, वो आप माइक्रो नीच तक पहुंचोगे। सो, माइक्रो नीच पे पहुंचने के लिए आपको एक मैं पहले एग्जांपल दे देता हूं जिससे आपको थोड़ा क्लियर हो जाएगा। आप सभी ने गेम तो बहुत खेला होगा। सो, गेम में आपको मालूम होगा जब पबजी इतना पॉपुलर नहीं था, या फिर ये कह लो जब पबजी आया ही नहीं था, सो, उस टाइम बहुत लोग मिनी मलेशिया खेलते थे। सो, आज के टाइम पे भी मिनी मलेशिया कई कंट्रीज में बहुत ही ज्यादा पॉपुलर है, और मेरे ख्याल से जब से पबजी बैन हुआ है, सो, उसके बाद जो मिनी मलेशिया थी इसकी डिमांड बहुत ज्यादा हाई हो गई थी। और आज की डेट में मिनी मलेशिया का जो कीवर्ड है, इस पर डेली का काफी अच्छा सर्च आता है। अगर इसकी मंथली सर्च की मैं बात करूं तो 2 लाख के करीब, मतलब 200K के ऊपर का ट्रैफिक होता है मंथली केवल एक मिनी मलेशिया कीवर्ड पे। सो, ये एक तरीके का माइक्रो नीच कीवर्ड है। अब इस माइक्रो नीच कीवर्ड पे काम करने के लिए बहुत सारी वेबसाइट अपनी माइक्रो नीच वेबसाइट बनाती हैं केवल मिनी मलेशिया को टारगेट करके। लेकिन मिनी मलेशिया वेबसाइट, मान लो जैसे ये आपकी माइक्रो नीच वेबसाइट है, सो, माइक्रो नीच वेबसाइट में क्या क्या प्रॉब्लम आती है, सबसे पहले मैं वो बता दूं। मान लो आपका जो कीवर्ड है, ठीक है, मिनी मलेशिया आपका कीवर्ड है, अब आपने इसकी माइक्रो नीच वेबसाइट तो बना ली, लेकिन माइक्रो नीच वेबसाइट में सबसे जो प्रॉब्लम देता है वो होता है गूगल का अप्रूवल, देन उसके बाद रैंकिंग। जब गूगल अप्रूवल, रैंकिंग, और उसके बाद सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज होती है वो होती है इन्वेस्टमेंट, क्योंकि एक माइक्रो नीच वेबसाइट जिसपे कई लोग काम करते हैं, उन सभी लोगों को बीट करके अपनी साइट को गूगल के टॉप पेज पे रैंक कराने के लिए आपको अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट लगानी पड़ती है, और वो इन्वेस्टमेंट आपकी होती है बैकलिंक्स, ठीक है।
हाँ ये चीज है कि आपको बाद में रिटर्न में जब आप रैंक हो जाओगे तो अच्छा खासा पैसा मिल जाता है, लेकिन ये चीज आप समझ लो कि आपको शुरू में काफी अच्छी इन्वेस्टमेंट देनी पड़ती है। सो ये तीन चीजें हैं जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम देती हैं, पहला एडसेंस, दूसरा गूगल की रैंकिंग, तीसरा बैकलिंक्स। ठीक है, तो ये तीन चीज सबसे ज्यादा प्रॉब्लम देती हैं एक माइक्रो नीच वेबसाइट को। सो अगर जो ये तीन चीज करने में एक्सपर्ट है, जैसे जिसको कम से कम कंटेंट में गूगल का अप्रूवल लेना आता है, वो बंदे माइक्रो नीच वेबसाइट पे काम कर सकते हैं। जिनको रैंकिंग, गूगल की जो रैंकिंग है जो हमेशा अपडेट के बाद चेंज हुआ करती है, उसको समझ कर उस पर काम करके अपनी साइट को गूगल के फर्स्ट पेज पे रैंक कराना आता है, वो माइक्रो नीच पे काम कर सकते हैं। तीसरी चीज, रैंकिंग तब इम्प्रूव होती है जब आपकी साइट पे अच्छी खासी लिंक बिल्डिंग होगी, मतलब जब आप अपना ट्रस्ट बढ़ाओगे गूगल पे बैकलिंक बनाकर। सो अगर आपके पास अच्छी इन्वेस्टमेंट है, आपका इतना जो आपका फ्रेंड सर्किल है उसमें ऐसे कई दोस्त हैं जो उसी नीच पे काम कर रहे हैं जिस नीच पे आपने माइक्रो नीच बनाई है, सो उनसे आप बैकलिंक ले सकते हो। ठीक है, तो इतना कुछ अगर आपको आता है तो आप किसी माइक्रो नीच वेबसाइट पे काम कर सकते हो। ओके, तो ये तीन चीज सबसे ज्यादा प्रॉब्लम देती है एक माइक्रो नीच साइट को। अभी मैं आप लोगों को एक साइट दिखाता हूं जो कि माइक्रो नीच वेबसाइट है, ये आप देख सकते हो। ये एक माइक्रो नीच वेबसाइट है जिसका नाम है minimalasia.mobi। तो अगर मैं इसका स्टैक, मतलब इसका जो स्टैट है वो चेक करूं, ठीक है, एचएफ पे, तो आप देख सकते हो ये वेबसाइट पे केवल और केवल 812 बैकलिंक है। अब ये चीज तो है कि इसने कुछ जो बैकलिंक बनाई होंगी वो बैकलिंक अच्छी खासी हाई क्वालिटी साइट से होंगी, तभी इसकी साइट फर्स्ट पेज पे, सेकेंड और थर्ड पोजिशन पे रैंक कर रही है। सो अभी मैं आपको दिखाता हूं, देखो इसने तो तीन दो रिडायरेक्ट ले रखे हैं, और इसकी बैकलिंक, अगर मैं डू फॉलो बैकलिंक्स की बात करूं तो इसने ये सभी साइट से डू फॉलो बैकलिंक ले रखे हैं, जिसमें से आप देख सकते हो कि सारी जो इसकी डू फॉलो बैकलिंक्स हैं वो सभी हाई डीएपी है वेबसाइट से हैं। अगर मैं इसकी चेक कराऊं आपको सारी बैकलिंक्स, सो आप देख सकते हो आपके सामने है पूरा स्टैट, ये बैकलिंक आप देख सकते हो, ठीक है, 89, 88, 88, तो इतने हाई डीएपीए से इसने बैकलिंक ले रखी है। जब इसने इतनी हाई डीएपीए साइट से बैकलिंक ली है तब कहीं जाकर इसको वो बेनिफिट मिल पाया है और इसने अपनी साइट को इस मेन कीवर्ड पे रैंक कराया है। ओके, अगर मैं बात करूं इसके ट्रैफिक की, इसके कीवर्ड की, कि कौन कौन से इसके कीवर्ड रैंक हैं, सो आप देख सकते हो कि इसके कुछ ही कीवर्ड, जैसे मान लो मिनी मलेशिया एक माइक्रो नीच कीवर्ड है, ठीक है, सो अगर आप माइक्रो नीच, और इसमें मैंने जैसे बताया कि इस पे 200 प्लस का सर्च है, तो अगर आप पहले पेज पे रैंक कर रहे हो तो ये समझ लो कि आपको डेली का 20,000 से 30,000 तक का ट्रैफिक डेली मिल जाएगा आराम से। ओके, सो आप यहां पर देखो मिनी मलेशिया का जो अभी पूरा मैं आपको दिखाता हूं कि ये बंदा कौन कौन सी साइट पर रैंक है। सो आपने देखा यहां पर मिनी मलेशिया जिसपे 36,000 का सर्च है और कीवर्ड डिफिकल्टी 4 है और सीपीसी भी बहुत अच्छी है, ये बंदा इस पे रैंक कर रहा है सेकंड पोजीशन पे, इस पे 2,000 का ट्रैफिक इसको जा रहा है। सो आप इससे आइडिया लगा सकते हो कि इस तरह के कितने कीवर्ड्स हैं जिनपे ये रैंक कर रहा है और जिनसे इनको अच्छा ट्रैफिक कन्वर्ट हो रहा है, मतलब ये समझ लो कि ये बंदा एक मंथ में 100K के ऊपर ट्रैफिक ला रहा है अपनी साइट पे केवल एक माइक्रो नीच वेबसाइट पे काम करके, और इस पे ये अच्छी खासी अर्निंग भी कर रहा है क्योंकि इस पे आपने देखा है कि इसने केवल और केवल एक लैंडिंग पेज बना रखा है और इस पे अपने गूगल के एड्स भी लगा रखा है। ओके, और बहुत लोग अब ये पूछ रहे होंगे कि ये एक पेज पे इसने अप्रूवल कैसे ले लिया। सो ये एक तरीके की स्ट्रैटेजी होती है, ये एक पेज नहीं है, इसने जब साइट पे काम करना स्टार्ट किया होगा तो इसने एक पूरी फुल साइट बनाई होगी, लेकिन जैसे ही इसका अप्रूवल हो गया होगा इसने पूरी साइट को कन्वर्ट कर दिया होगा। ओके, सो उसके बाद ये रैंक कर पा रहा है और ये अच्छा खासा ट्रैफिक अपनी साइट पे ला पा रहा है। ठीक है, तो ये सबसे यूनिक चीज है एक माइक्रो नीच साइट को किसी पर्टिकुलर कीवर्ड पे रैंक कराना। ओके, और वहां से अच्छा खासा ट्रैफिक और अच्छी खासी अर्निंग गेन करना। तो बहुत लोगों को ये इम्पॉसिबल लगता है और बहुत लोग हैं जो इसमें काम करना चाहते हैं। तो मेरा क्या सजेशन है माइक्रो नीच कीवर्ड को लेकर, वो आप समझ लो। तो देखो, माइक्रो नीच कीवर्ड को फाइंड करना सबसे यूनिक चीज है। आप सबसे पहले अपने कुछ टाइम माइक्रो नीच कीवर्ड को फाइंड करने पे दो, देन जब आपको माइक्रो नीच कीवर्ड फाइंड मिल जाए, ठीक है, देन आप उस पर प्लान करो कि मैं इस पर कैसे काम करूंगा, क्योंकि आपको उस पर गूगल के एडसेंस अप्रूवल लेना है। अगर आप प्लान करना सीख गए
ठीक है, तो आप लोगों को सबसे ज्यादा बेनिफिट होगा, क्योंकि आपको मालूम होगा कि गूगल 20 से 25 कंटेंट पे ही अप्रूवल देता है। सो अगर आप गूगल अप्रूवल ले लेते हो, देन उसके बाद माइक्रो नीच वेबसाइट में कई ऐसी स्ट्रेटेजी, मतलब स्ट्रेटेजी हैं जो काम करती हैं, और वो स्ट्रेटेजी आपको मैं शेयर कर देता हूँ। अगर आप अच्छी लिंकिंग कर देते हो, मतलब पर्टिकुलर टॉपिक जैसे मिली मिलेशिया, इससे रिलेटेड सभी कीवर्ड को टारगेट करके उस पर आर्टिकल लिखते हो, सो आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा, आप जल्दी से जल्दी रैंक कर जाओगे। सो ये पूरी प्लानिंग है। देन उसके बाद आपकी रैंकिंग प्लानिंग, कि हमारा जब कीवर्ड इंडेक्स हो जाएंगे तो हमें उसे कैसे रैंक करना है। उसके बाद रैंकिंग के बाद आती है सबसे आखिरी चीज, वो है बैक लिंक। ठीक है, जब आपने रैंकिंग प्लान कर ली कि हमें किस कीवर्ड को टारगेट करना है, उसके लिए आपने काफी कुछ शेयरिंग एयरिंग कर दी, देन उसके बाद आखिरी चीज आती है बैक लिंक, क्योंकि एक कीवर्ड को जल्दी रैंक कराने में हेल्प करता है बैक लिंक। सो अगर आप बैक लिंक बनाने में एक्सपर्ट हो तो आप अपने कीवर्ड को जल्दी से जल्दी गूगल पे रैंक करा सकते हो, और जब ये रैंकिंग आप करा सक दोगे सो आपको ट्रैफिक आना चालू हो जाएगा, और उसके बाद आपकी अच्छी अर्निंग स्टार्ट हो जाएगी। ओके, तो मेरा यही सजेशन है कि अगर आप इन सभी चीजों में जो मैंने बताई है, चार चीजें, और जो मैंने स्टार्टिंग में तीन चीजें बताई थी, ये तीन चीजें अगर आपको बिल्कुल अच्छे से आती है सो आप माइक्रो नीच कीवर्ड पे काम कर सकते हो। ओके, सो फिर आज के लिए इतना ही, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमेशा बने रहो चैनल पे। ओके, तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही।